किसी भी व्यक्ति को गोली मारा जाता है तो चिथरा चिथरा बिखर जाता है, उसी प्रकार टंकी ब्लास्ट कर गया है, टंकी पे गोली नहीं चलाया गया है, अपने आप से ब्लास्ट कर गया है। जोर ब्लास्ट हुआ कि पूरा लोग पब्लिक जुट गया यहाँ पर देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्या हालत है इसका, कितना अच्छा है, कितना अच्छा सामान लगा हुआ है जी, इसलिए साल में दो बार फट गया। फट गया बिहार के मुख्यमंत्री को पता है, पहचानते होंगे अच्छा से? नहीं पहचान नहीं पहचानता। दावा करते हैं कि नल जल एकदम धरातल पे है, एकदम पानी मिल रहा है। करते होंगे ना, आके देखिएगा तब तो पता चलेगा उनसे, मतलब ब्लास्ट हुआ है नल जल का। देख लीजिए आगे, थोड़ा जूम करके दिखाइए, आगे बढ़िए और जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को, कि जो नल जल का टंकी है, यही टंकी है, किस तरह बिखर चुका है। आधा हिस्सा हमको लग रहा है कि वार्ड सदस्य के घर पे चला गया होगा और थोड़ा सा हिस्सा जो होगा देखिए जो हिस्सा है कहाँ कहाँ चला गया होगा, देख कर नजर लगा सकते हैं। देखिए कितना बंदर बाट हुआ, इतना बड़ा टंकी होता होगा और उसमें से इतना हिस्सा बच चुका है, किसके घर जाएगा यहाँ ग्रामीण बताएंगे, कहाँ जाएगा अब इतना बचा है। कबाड़े में आप लोग बेच दीजिए, कबाड़े में जाए तो कबाड़े में 5 रुपया मिलेगा, इसका काम अब इधर से कैमरा ऊपर कीजिए, उसके बाद देखिए कितना अच्छा अच्छा काम हुआ, कितना साफ सुथरा लॉक रहा है। देख 14 लाख रुपया में कितना जीरो होता है, शायद हमको यहाँ के वार्ड सदस्य से बात करेंगे तो शायद बताएंगे नहीं कि जीरो कितना होता है, लेकिन शायद ये नहीं चढ़ पाएंगे घर से। देखिए कितना हमको समस्या, देख लीजिए हमको भी दिक्कत हुआ चढ़ने में, और अंदर की तरफ देख लीजिए आगे बढ़ के दिखाइए, देखिए स्लिप देखिए, नल जल योजना का जो टंकी बना है ऊपर टंकी लगा हुआ है, नीचे कहीं देखिए कौन नंबर काम हुआ है, 6 नंबर, 6 नंबर से भी ज्यादा है, 10 नंबर काम है, खाली माटी, 10 नंबर से ज्यादा काम है का जी? हाँ जी। देखिए ग्रामीण बोल रहा है कि 6 नंबर से भी ज्यादा, 1 नंबर काम रहता शायद नहीं टूटा रहता, इस पे हम मांग करें क्या करें, अब तो कुछ समझ में खुद नहीं आ रहा है। और कोई भी कह दे कि मेरे पंचायत में अगर नल जल का काम, अगर 14 वार्ड है, अगर 14 वार्ड में सुचारू रूप से अगर नल जल का काम हो रहा है, पानी मिल रहा है, तो हम आज से अपना चैनल बंद कर देंगे और अपना पत्रकारिता बंद करके लोगो तोड़ के फेंक देंगे। बिहार सरकार की नल जल योजना कैसे ब्लास्ट हो रही है, इसको लेकर हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के तक्कीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में। किस प्रकार बिहार सरकार की नल जल बम जैसे ब्लास्ट हो रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे एक नल जल की टंकी दिख रही होगी तस्वीर में, और यहाँ पे जो टंकी है कैसे ब्लास्ट हुआ है, चिथरा चिथरा उसका उड़ गया है, यह भी आपको नजर आ रहा होगा। बिहार सरकार नल जल योजना को लेकर लाख दावे करती है कि हर घर तक नल जल पहुँचा रहे हैं, लेकिन नल जल क्या पहुँच रहा है, उसका पैसा किस प्रकार बंदरबांट हुआ है, किस प्रकार 2 नंबर का काम हुआ है, यह आपको देखने के बाद अंदाजा लग सकता है। तमाम लोग हैं यहाँ के, पहले उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद से जो नल जल योजना है उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे किस प्रकार नल जल योजना में बंदरबांट हो रहा है। एक स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है, किस प्रकार टंकी ब्लास्ट हुआ, कैसे ब्लास्ट हुआ बताइए। वो शाम को चालू हुआ था, पानी भरा भी आधा भी नहीं भरा हुआ था, तब तक इतना जोर ब्लास्ट हुआ कि पूरा लोग पब्लिक जुट गया यहाँ पर देखने के लिए कि क्या हुआ। यहाँ आया तो देखा कि पूरा पानी बिग रहा है, अब अंदर जाने के लिए भी इसमें सीढ़ी नहीं है कि कोई डर के मारे। कितने दिन पहले लगा है नल जल योजना? हो गया 2 साल। दो साल पहले दूसरा बार खत्म हुआ है। आप घर में नल जल का टंकी लगा है? हाँ, टंकी तो है हमारे घर में। कितने साल फटता है टंकी? तो अभी मतलब कि हमारे घर में फटा नहीं है, फट जा रहा है। बनाने वाला जाने की किस तरह का बनाए हुए है, क्या किया है, घुसखोरी की 2 नंबर का काम हुआ है ना, घर में 10 साल में फट रहा है, 2 बार काहे फट गया 2 साल में। ये तो सरकार की जांच करनी चाहिए कि हाँ यहाँ क्या हुआ है जी, पर जांच भी नहीं हो रहा है यहाँ का, कोई पूछने वाला नहीं, बस नाम के लिए नल जल। नल जल का पानी पीते हैं? नल जल का पानी तो पीते हैं यहाँ पर, मिलेगा तब ना पियेंगे। यहाँ का स्थानीय निवासी है, क्या है आप? हम यहाँ का वर्तमान में वार्ड सदस्य है। वार्ड, हाँ वार्ड सदस्य के लोग मिली भगत से बना है नल जल, भूतपुर वार्ड बनाया है, उसको हम बोल रहे हैं कि जांच किया जाए, जांच कर कर आपको दिया जाए, पर जांच नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए वर्तमान में वार्ड सदस्य है, इनका कहना है कि जांच किया जाए, तो क्या जांच किया जाएगा, जब 14 लाख रुपया आया होगा तो 1,14,59,000 ऊपर वाला अधिकारी को, फिर नीचे वाले अधिकारी को, फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मिला होगा, तो उसमें जांच कहाँ से होगा, सबको तो मिल गया है। और लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि नल जल योजना आपके यहाँ लगा हुआ है, पानी मिलता है? जी हाँ, कभी काल मिलता है, लेकिन टंकी तो ब्लास्ट हो गया है। हाँ, टंकी तो साल में 2 साल लगा हुआ है, 2 बार ब्लास्ट हो गया है। क्या है तो घर पे अगर लगता है तो 10 साल 15 साल? हाँ, हमारे घर पर लगा है, 15 साल हो गया, नहीं आज तक फूटा है, आज तक नहीं फूटा। कैसे ब्लास्ट? 2 नंबर का काम हुआ है, 2 नंबर का नंबर काम हुआ है, वार्ड सदस्य मुखिया जी के ऑफिस में बना हुआ है, 2 नंबर काम हुआ है, गारंटी है, क्लियर है, आप लोगों को भी लोग का है, आज तक में सीढ़ी नहीं लगा है, 2 साल में 2 बार टंकी फट गया है। आज तक कोई जांच नहीं हुआ जी।
बिहार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जांच हो रहा है नल जल की, एकदम हम विस्तार से जांच करवाएंगे, दो नंबर जहां को वार्ड सदस्य को जेल भेजेंगे, एकदम झूठ बोल रहा है सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जांच हुआ है कि नहीं यहां पे? आज तक कोई जांच नहीं हुआ है, कोई जांच नहीं हुआ है, पूरा पता पता नहीं रहने वाला है। साहब आए थे, हम बोले कि सर जांच कर लीजिए, उधर चले गए, कोई यहां पूछ पूछ देखिए, पता पर जाकर चले गए, बस मतलब अपना फॉर्मेलिटी निभा कर चले गए। देखिए ग्रामीण है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी अधिकारी आते हैं अपना फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि हम जांच करने आए हुए हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और चले जाते हैं। यहाँ का स्थानीय लोगों को नल जल का पानी स्वच्छ और समय पर मिलता, लेकिन ये देखा गया कि दो साल नल जल लगे हुआ, दो साल में दो बार यहाँ का टंकी ब्लास्ट कर चुका है। लेकिन एक आम आदमी अपने घर पर नल जल का योजना लगाता है, क्या टंकी अगर लगाता है तो 10-15 वर्ष चलता है, लगभग 10 वर्ष चलता है, लेकिन दो साल में आखिर क्यों फूट गया, यह बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिहार सरकार नल जल योजना को लेकर लाख दावे करती है कि हम हर घर तक नल जल पहुंचा दिए हैं नल जल, लेकिन मेरी गारंटी है अपने चैनल के माध्यम से हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं, बिहार के कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पे नल जल का काम स्वच्छ और साफ सुथरा हुआ हो। अगर कोई भी कह दे कि मेरे पंचायत में अगर नल जल का काम, अगर 14 वार्ड है, अगर 14 वार्ड में सुचारू रूप से अगर नल जल का काम हो रहा है, पानी मिल रहा है, तो हम आज से अपना चैनल बंद कर देंगे और अपना पत्रकारिता बंद करके लोगों तोड़ के फेंक देंगे। अगर ऐसा हुआ, अगर कोई बता दे कमेंट बॉक्स में, अगर बता दे कि हाँ मेरे पंचायत में अगर 14 वार्ड है, 14 वार्ड में अगर नल जल का पानी मिल रहा है, तो आज से मेरा चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, बिहार के जितने भी जिले हैं, उस जिले के जितने पंचायत हैं, कहीं भी नल जल का जो काम है, जितने वार्ड है, कहीं भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। कहीं अगर टंकी है तो नल जल नहीं है, कहीं नल जल है तो टंकी नहीं है, और हाल यही है कि अगर टंकी लग भी गया है तो ब्लास्ट कर गया है। फिलहाल कुछ दिन पहले भी मेरे चैनल पर आपने देखा होगा कि महाराजगंज प्रखंड के धुबोलिया में ऐसा ही एक जो टंकी लगा हुआ ब्लास्ट किया हुआ है, और सच में अगर वह एक नंबर लगा रहता तो ब्लास्ट नहीं किया रहता, लेकिन ये दो नंबर का नाम है कि दो साल में दो बार टंकी ब्लास्ट कर गया है। और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे नल जल का योजना है, ब्लास्ट कर चुका है जो टंकी। हाँ, तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है इसका, कितना अच्छा है, कितना अच्छा सामान लगा हुआ है जी, इसलिए साल में दो बार फट गया, फट जाने के बाद भी कोई सुनवाई हो नहीं रहा है, पानी का दिक्कत हो रहा है। इसको लेकर अधिकारी अधिकारी को बताया गया है? अधिकारी को बताया गया है, लेकिन कोई सुनवाई वाला नहीं, कोई सुनने का तब तो आपके घर पर टंकी अभी हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अपने सब पैसा मिलाएंगे लगाएंगे। आपके घर पर टंकी लगा है? मेरे घर पर टंकी है, लेकिन छोटा है, इतना बड़ा तो है नहीं। कितने दिन से लगाई बताइए? ये तो मेरे लगभग 10 साल हो गया। आज तक ब्लास्ट हुआ है कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। क्या है ब्लास्ट हो गया? ये तो मतलब अच्छा है, शायद नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तभी तो ब्लास्ट होगा, अच्छा है तो फिर ब्लास्ट थोड़ी ना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दो टंकी है, तो ये इधर वाला पहले ब्लास्ट होगा, मतलब हुआ था, तो ये दूसरा लगा, फिर ये ब्लास्ट हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री को पता है, पहचानते होंगे अच्छा से? ना नहीं पहचान, नहीं पहचानते। दावा करते हैं कि नल जल एकदम धरातल पे है, एकदम पानी मिल रहा है। करते होंगे, करते होंगे, करते हैं ना, आके देखिएगा तब तो पता चलेगा, उनसे मतलब लिएगा कि आके देखें तो पता चलेगा कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा। एसी रूम में बैठ के ऐलान करते हैं? हाँ, तो बस एसी रूम में ऐलान करने से थोड़ी ना होगा, यहाँ पे आके देखना होगा कैसा काम हुआ, कितना साफ सुथरा काम हुआ। चलिए ना भीतर, देखिए ना उससे कितना अच्छा अच्छा साफ सुथरा काम हुआ है यहाँ पे। अभी इधर से कैमरा ऊपर कीजिए, उसके बाद देखिए कितना अच्छा अच्छा काम हुआ, कितना साफ सुथरा लौक रहा है। देखिए ग्रामीण है, इनका कहना है कि कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, तो देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। बोले कैमरा पर्सन से कहें कि ऊपर की तरफ दिखाएं, और नीचे किसी टंकी जो है ब्लास्ट कर चुका है, जो पूरा उसका चिथरा चिथरा उतर, मतलब जिस तरह किसी भी व्यक्ति को गोली मारा जाता है उसका चिथरा चिथरा बिखर जाता है, उसी प्रकार टंकी ब्लास्ट कर गया है। टंकी पे गोली नहीं चलाया गया है, अपने आप से ब्लास्ट कर गया है। पता है क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योजना है, और उनका योजना का हाल यही है, नल जल हो या प्रधानमंत्री आवास हो, सभी योजना में बंदरबाट होता है। वही बंदरबाट का कारनामा है कि आज यहाँ का दो साल में दो बार टंकी ब्लास्ट कर चुका है। एक घर पे अगर नल जल का टंकी लगाया जाता है तो 10 वर्ष में एक बार भी नहीं फूटता है, लेकिन दो साल में ये दो बार फूट चुका है। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है, के बनवाने वाले हैं या अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, कौन है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। इस पे चाहिए कि जो तेज तरार जिले के अधिकारी हैं, जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे जी हैं, उनसे मेरी भी आग्रह होगी कि आपके जिले में तमाम नल जल योजनाएं, प्रत्येक वार्ड में नल जल योजना का काम हुआ है, इसको जांच किया जाए, धरातल पर आके जांच किया जाए, ना ही कि गाड़ी में बैठकर आके फोटो खींच लिया जाए, वैसे जांच नहीं किया जाए, आके नल जल चलाया जाए, वास्तविक स्थिति क्या है, आसपास के लोगों से बातचीत किया जाए, उसके बाद पता चलेगा कि नल जल धरातल पर कितना काम हुआ है, लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो काम हुआ है कितना काम हुआ है, जांच के बाद पता चलेगा। इस पे चाहिए कि जांच करे, और जो भी दोषी हो, केवल कहने के लिए नहीं वार्ड सदस्य पे एफआईआर होगा, वाकई में आप जांच कीजिए, और वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, या कोई भी सचिव हो, बीडीओ साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, उस पे एफआईआर दर्ज कीजिए, उनको सलाखों के पीछे भेजिए, तब वास्तव में पता चलेगा कि हाँ नल जल योजना का काम क्या हुआ है। आगे की तरफ एक बार बढ़ेंगे, फिर से बोलेंगे कैमरा पर्सन की तरफ बढ़े, और देखिए
टंकी फटा हुआ है उसकी भी तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मेरे को कितने बार कॉल किया गया, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हुए हैं तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए यहीं ब्लास्ट हुआ है नल जल का, देख लीजिए, आगे थोड़ा जूम करके दिखाइए, आगे बढ़िए और जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को, जो नल जल का टंकी है यही टंकी है, किस तरह बिखर चुका है, आधा हिस्सा हमको लग रहा है कि व्हाट्सएप के घर पे चला गया होगा और थोड़ा सा हिस्सा जो होगा, देखिए जो हिस्सा है कहाँ कहाँ चला गया होगा, देख कर नजर लगा सकते हैं, देख कितना बंदर बाट हुआ, इतना बड़ा टंकी होता होगा और उसमें से इतना हिस्सा बच चुका है, किसके घर जाएगा है ग्रामीण भी बताएंगे, कहाँ जाएगा अब इतना बचा है, कबाड़े में आप लोग बेच दीजिए, कबाड़े में जाए तो कबाड़े में 5 रुपया मिलेगा, इसका काम 5 रुपया का तिरंगा उड़ा खाते हैं ना, मिला गुटका उटका खाते नहीं है, ये ड्राम 5 रुपया बेच कर गुटका का काम कैंसर बढ़ाए भाई, क्या होगा कबाड़े वाला जाकर अपना रख लगा 10 रुपया फायदा होगा उसका, और बटाइए गया तो भी बांट देना चाहिए, कहा कबाड़ी वाला लेकर चल जाएगा उसका 10 रुपया फायदा, ग्रामीण जो काफी गुस्से में शायद यहाँ पे कोई अधिकार रहते ना, तब लोग हमको लग रहा है कि कुछ ही लोग कर दिए रहते, अब उल्टा सीधा अब हम नहीं बताएंगे क्या कर दिए रहते। देखिए योजना भी दिखा दे, यहाँ पे योजना देख लीजिए, 14 लाख रुपया में कितना जीरो होता है, शायद हमको यहाँ के वार्ड सदस्य से बात करेंगे तो शायद बताएंगे नहीं कि जीरो कितना होता है, लेकिन शायद गिन के रख लिए होंगे अपने अकाउंट में, और सही में काम किए रहते तो शायद ये नल जल फूटा नहीं रहता, वास्तविक बात यही है, ऊपर चढ़ने के लिए बताइए अभी कैसे चढ़ेंगे, हमको ही चढ़ना होगा चाहे अधिकारी कोई आएंगे जांच करने तो कैसे चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, चढ़ना होगा देखिए कितना हमको समस्या, देख लीजिए हमको भी दिक्कत हुआ चढ़ने में, और अंदर की तरफ देख लीजिए, आगे बढ़ के दिखाइए, यही देखिए यही देखिए स्लिप देखिए, नल जल योजना का जो टंकी बना है ऊपर टंकी लगा हुआ है नीचे, कहीं देखिए कौन नंबर काम हुआ है, 6 नंबर 6 नंबर से भी ज्यादा है, 10 नंबर काम है, खाली माटी 10 नंबर से ज्यादा काम है, का जी देखिए ग्रामीण बोल रहा है कि 6 नंबर से भी ज्यादा, 1 नंबर काम रहता शायद नहीं टूटा रहता, इस पे हम मांग करें क्या करें, अब तो कुछ समझ में खुद नहीं आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री भी पलटू राम है, वो भी पलट जा रहे हैं तो अधिकारी लोग कहा ना पलटेंगे, क्योंकि उनको भी कमीशन देना है ऊपर जाके, इस पे चाहिए कि जिले के वरीय अधिकारी, मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नल जल का पानी मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, उनके नाम पर 14 लाख रुपया आया है तो उसको उचित कर जो भी यहाँ पे काम हो अच्छी तरीके से फिर से काम कराया जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को नल जल का पानी मिले, यही मेरी भी मांग है। तमाम आप दृश्य देखे होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ नल जल का काम कितना सुचारू रूप से चल रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे पास अगर वहां पे आने की मेरी आवश्यकता होगी तो हम जरूर पहुंचेंगे, आप लोग मेरे नंबर पर जरूर कॉल करें। जय हिंद जय भारत।